नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल ट्यूसडे को हमें मार्केट में किस तरीके से ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो आज मैं सबसे पहले आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो है डॉक्टर रेड्डीज। और डॉक्टर रेड्डीज पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक 4200 से एक अपमूव आई थी, उसके बाद एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी बट क्लोजिंग दोबारा रेंज के अंदर हुई थी। इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं पेनेंट पैटर्न, ठीक है, पेनेंट पैटर्न होता है ये। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट आ चुका है, तो और बस इसमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इस लेवल पे, यहाँ से बार बार नीचे आ जाता था, इधर से नीचे आ जाता था, तो ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है। तो कल अगर ये 5200 मतलब इसके आसपास आता है, अगर 20 रुपए की भी गिरावट आती है बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पर एक बार बाय के लिए मौके ढूंढ सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज पे, ठीक है। और वैसे भी डॉक्टर रेड्डीज का जो टारगेट लग रहा है वो दोबारा 5350 से लेके 5400 तक का लग रहा है, तो इसे आप बाय इनिशिएट कर सकते हैं, पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट है। नेक्स्ट स्टॉक आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है एम डोवल यूनाइटेड स्पिरिट्स, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ जूम आउट करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लेवल से 640 के लेवल से स्टॉक नीचे आया, पुल बैक दिया, नीचे आया, अपना प्रीवियस लो को ब्रेक करा, ऊपर गया, अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आ गया, अपने लो को ब्रेक कर गया, ठीक है, फिर ऊपर गया, हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, नीचे आया, लो को ब्रेक कर गया, ठीक है। तो अभी इस तरीके से यहाँ पर ये पैटर्न डेवलप हो रहा है। अब क्या हुआ, एक शार्प फॉल के बाद जब वो 490 तक आ गया, 640 से गिर के, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से अब ऊपर गया, नीचे आया एंड दोबारा ऊपर गया, और अब प्रीवियस लो जो इसका था उसको ब्रेक नहीं करा, और फिर नीचे आया, फिर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, मतलब अब इस लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। अब जो एक डाउनफॉल्स था इसके बीच में, अब वो हल्के हल्के अपमूव की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही अभी इसका क्लोज है अराउंड 531 पे, तो इसके ऊपर आप लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डेढ़ हफ्ते से हॉल्ट कर रहा है, ये यहाँ पर पॉज ले रहा है, तो ये जैसी लेवल ब्रेक होगा हम अच्छे लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और ऐसे एक हायर हाइज हायर लोज की रैली स्टार्ट हो जाएगी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे भी हम लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है जिलेट इंडिया, में आप लोगों को शॉर्ट करने की सलाह दे रहा हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा एक अपमूव आई, उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम एंड सिक्स्थ टाइम आके अब ये सपोर्ट अपना ले रहा है, ठीक है। तो अब ये डिमांड जोन जो है वो वीक हो गया है, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर ये वाली जो कैंडल थी फ्राइडे को कैंडल, उसको ब्रेक कर दिया था, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका था, बट फिर एक गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद दोबारा नीचे क्लोज हो गई और इसी सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है। तो ये कंफर्मेशन सिग्नल है कि अब जिलेट इंडिया वीक हो चुका है, तो कल यहाँ पर आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं बिलो 5309 लेवल के, ठीक है, बिलो 5309 के नीचे आप लोग यहाँ पर भी एक शॉर्ट इनिशिएट बना सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, नेक्स्ट स्टॉक आता है मैरिको। मैरिको पे जिस तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक वी शेप की रिकवरी आई है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कम क्वांटिटी में ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक शार्प अपमूव के साथ यहाँ पर आई है, तो थोड़ा सा एक पुल बैक लेके ऊपर की तरफ बढ़ सकती है, ठीक है, बट अभी के लिए ये शॉर्ट कैंडिडेट है, इसलिए आप लोगों को कह रहे हैं कि कम क्वांटिटी पे आप लोग शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। आप देखिएगा एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आई, एक 50 जो ये रेड कलर की कैंडल आई उसने 50% जो इस कैंडल में अपमूव थी उसके नीचे तक क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हुआ, ये देख सकते हैं, ये 50% है, एक कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है,
अगले दिन एक रेड कैंडल बना देता है, तो जो 50% होती है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की, उसके नीचे जब तक ये क्लोज नहीं करती है तब तक हम लोग सेल नहीं करते हैं। इसके नीचे इसने क्लोज कर दी तो हम अगले दिन सेल कर सकते हैं और ये नीचे आ सकता है। तो फर्स्ट 2, 3, 4 चार दिन लगातार इसके नीचे ये सस्टेन नहीं करी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आज इसके नीचे जाके इसने क्लोज दे दिया, तो कल हम यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 3-4 रुपए के लिए आप लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अब यहाँ से एग्जिट कर जाए, क्योंकि प्रॉबेबली है कि ये थोड़ा बहुत रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टॉक आता है हेक्सावेयर। हेक्सावेयर पे जिस तरीके से आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग रैली आई है। अब उस रैली के बाद यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टींथ डेज तक ये यहाँ पर इसी लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके चांसेस तो दिख रहे हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स और ऊपर की साइड पे ही क्लोज हो रही है सबसे ज्यादा बार। ठीक है, हम देख रहे हैं कि नीचे वाली लाइन पे अभी तक ये क्लोज नहीं कर रही है, अभी तक ऊपर की लाइन पे ही क्लोज कर रही है। तो अब 468.5 के ऊपर हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं एक्सावेयर के अंदर, बट हमें जल्दी निकलना पड़ेगा या फिर आप हाफ ऑफ क्वांटिटी के साथ एग्जिट करिएगा। बाय चांस हो सकता है कि ऊपर जाएगा बट विक बना के नीचे आ जाए, तो जब ऊपर जाए तो आपको अच्छा एक टारगेट मिल रहा हो तो आप वहां पर 50% क्वांटिटी एग्जिट कर लेना और 50% क्वांटिटी पे अपना लेवल लगा देना जिस प्राइस पे आपने बाय करा है, और उसके बाद वो जितना ऊपर जा रहा है उसे ऊपर जाने दीजिए। अगर नहीं जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, जिस लेवल पे आपने बाय करा है वो हिट हो जाएगा, प्लस 50% जो प्रॉफिट आप बुक कर चुके हो उससे आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी स्ट्रैटेजीज के साथ काम करिएगा, आपको थोड़ा सा आसानी होगी। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था बेसिकली, 12,000 का लेवल, 12,020 का लेवल, अब वहां तक ही गया, उसके बाद नीचे आ चुका है। बट अभी भी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं हूँ कि यहाँ पर हमें शॉर्ट इनिशिएट ही करना है, क्यों? फर्स्ट दो में अप मूव बहुत अच्छी सी आई, एक रेड कैंडल बनी, फिर एक हॉल्ट करा और फिर एक ब्रेकआउट आया। एक स्ट्रॉन्ग 4 दिन की अप मूव के बाद एक इनडिसाइसिव कैंडल बनाई, उसके बाद 2 दिन की लगातार मूव आई, तो अभी भी हम लोग कन्फर्मेशन में नहीं है। जब तक इसके नीचे दोबारा रेड कैंडल नहीं बनती है, इसके नीचे क्लोज नहीं देती है, तब तक हम लोग निफ्टी में शॉर्ट इनिशिएट नहीं करेंगे। अगर क्लोजिंग दे देती है तो हम अपना टारगेट लेकर चलेंगे अराउंड इस लेवल पे, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो इस लेवल पे होगा। बट अभी हमें वेट करना है जब तक इसके नीचे कल क्लोज नहीं करती है, वरना अगर एग्जैक्ट इस लेवल पे खुलती है या 5-10 रुपए नीचे खुलती है तो आप लोग एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बाय करने की मैं सलाह दूंगा नहीं निफ्टी पे, शॉर्ट करने की सलाह दूंगा अगर इसी लेवल पे खुलता है या 10-12 रुपए नीचे खुलता है। ऊपर खुलता है तो अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी भी एक सिमिलर है, आप लोगों को यहां पर मैं दिखा देता हूं, 2 अप मूव, एक रेड कैंडल, उसके बाद एक अप मूव और अब स्ट्रेट अप मूव के बाद एक रेड कैंडल आ रही है, बट सेम मैरिको में जिस तरीके से बना था सेम इस तरीके में बन रहा है। एक वी शेप की रिकवरी आई, एग्जैक्ट ये लेवल है, ठीक है, तो अब हो सकता है कि थोड़ा सा ये ऐसे हॉल्ट कर जाए और फिर जाके ब्रेकआउट दे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाता हूँ कि ये प्रोबेबली कितना गिर सकता है, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम कितना गिर जा सकता है, तो यहाँ पर ये लेवल दिखा रहा है ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, या सो ये ऑलमोस्ट मुझे इससे दोबारा लगाना पड़ेगा। फिबोनाची के हिसाब से दिखा रहा है मिनिमम टू मिनिमम 23,300 तक गिर सकता है, जो कि इसका 0.236% का रिट्रेसमेंट लेवल है। ठीक है, अब जब ये लेवल पे कैंडल क्लोज देती है उसके नीचे अगले दिन ट्रेड करना शुरू करता है तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा टारगेट आ जाएगा अराउंड 22,760 का, जो कि 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैं सलाह दूंगा कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वीक नहीं है। अगर मैं इसका मंथली चार्ट आपको दिखाता हूं तो मंथली चार्ट पे आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा कि बहुत अच्छा मतलब ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखिए एक ब्रेकआउट लेवल पे ये खड़ा हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई,
एक महीने की, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन सॉरी ग्रीन कैंडल आई, एक रेड कैंडल आई, फिर एक ग्रीन कैंडल आई है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे देती है और ये मंथ में क्लोजिंग कर देती है अबव लेवल है 23,700 का, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है सॉरी 800 का, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है तो एक फ्रेश बाय मूव स्टार्ट हो सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग देख सकते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ तो पता चलता है कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एक मिनट आना, तू आए तो आ तो जा, फिर बाद दोबारा बैठे बैठ आ जाना ना दोबारा। ये ले शिवान ड्रम तक ले। हेलो हेलो जी राहुल।